हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही नवाबी रॉयल रेसिपी, वर्मसेली चेरी डिलाइट। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर मैंने सेवई ली है, रोस्टेड सेवई है ये, और ये 200 ग्राम है। आप इसे ले लीजिए और थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। इसे हाथ से थोड़ा सा हम प्रेस करके तोड़ लेंगे, बस इस तरीके का हमें चाहिए। और हमें चाहिए फुल फैट मिल्क, 1 लीटर है ये दूध, बिल्कुल थिक होना चाहिए हमारा। और ये है घी, होममेड घी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये है शुगर, 1 कप शुगर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये है बादाम, 4 टेबलस्पून बादाम है, मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है मशीन में। और ये काजू है, ये भी सेम क्वांटिटी का है। आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, ये भी सेम क्वांटिटी का है। और ये पिस्ता है, 1 टेबलस्पून, ये भी रफली चॉप्ड है। और लेंगे क्रस्ट इलायची पाउडर, ये 6 से 7 इलायची है, मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं इलायची पाउडर। और ये सैफ्रन मिल्क है, मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क में सैफ्रन की 3 से 4 पिंचेस सैफ्रन ऐड किए और इसे भिगा दिया था। तो इसे भी हम ऐड करेंगे, इस रेसिपी की जान है, इसे ज़रूर आप ऐड करें। और ये है कस्टर्ड पाउडर, ये भी 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है वेनिला फ्लेवर में। और हमें चाहिए होंगी चेरीज़, ये फ्रेश रेड चेरीज़ है, बिल्कुल रेड वाली आप लीजिएगा। और ये भी 250 ग्राम है। और इसे हम इस तरीके से क्लीन कर लेंगे, पहले वॉश कर लीजिए आप, फिर उसके बाद इसकी डंडियों को निकाल लीजिए, अच्छे से इसे कर लीजिए। बिल्कुल रेड वाली चेरीज़ लीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस रेसिपी में चेरी इसकी जान है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और अगर आप चाहें तो कोई और भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट चेरी यूज़ किया आपने तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर चेरी यूज़ की थी और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने इसे सबको क्लीन कर लिया है और ये क्यूट सी चेरीज़ मैंने रखी है गार्निशिंग के लिए। तो अब हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, उसे गरम कर लीजिए आप, और 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप यहाँ चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसे मेल्ट करेंगे हम, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे सेवई, इसे डाल लीजिए आप और अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए। बिल्कुल गोल्डन कलर का होना चाहिए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे आप कीजिएगा, फास्ट फ्लेम पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो अच्छे से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर से एक बर्तन रखेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को आप ऐड कर लीजिए और उसमें बिल्कुल लो फ्लेम पे आप मिल्क को रखिएगा, गरम दूध नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो ये दूध बिल्कुल भी गरम नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध है ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मिक्स कर लिया मैंने, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर और इसे जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे। आप जल्दी से मिक्स कर लीजिए, वरना आप चाहें तो पहले मिक्स कर लीजिए दूध में, उसके बाद आप पकने के लिए रखें, या फिर आप अलग से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लीजिए उसके बाद दूध में ऐड कीजिए। मैंने डायरेक्ट ऐड किया है और फ्लेम बिल्कुल स्लो है मेरा इस वक्त। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे हम कंटिन्यू चलाते हुए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और आपको इसे कंटिन्यू ही चलाना है, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर है और वो नीचे जाकर जम जाएगा और ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। अब ये रोस्ट की हुई सेवइयाँ जो हमने रोस्ट की थी सेवई को, इसे भी दूध में ऐड कर लेंगे और
और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। तो इसे मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं शुगर को। मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर ऐड की है और इसे मिक्स करेंगे हम कंटिन्यू चलाते हुए। हमें इसे पकाना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और साइड से क्लियर करना है इसकी जो बलाई है। इसमें मिक्स करते हुए हमें पकाना है। ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत तारीफ़ होगी इस रेसिपी के बाद और आप याद करेंगे इसे बनाकर मुझे। अब यह ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसे भी कुक कर लेंगे हम। अब डालेंगे सैफ्रन मिल्क, ये भी आप डालिएगा, बिल्कुल रॉयल वाला फ्लेवर आएगा इस रेसिपी में। जो भी मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं आप सब ऐड कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आपने डाला तो बिल्कुल रॉयल फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा ये डिज़र्ट रेडी होता है। मैंने इसे बनाया था और बहुत तारीफ़ हुई थी मेरी, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं ईद में। अगर आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थिक हो चुका है ये। थोड़ा सा हम इसे और कुक कर लेंगे, 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और ये हो चुका है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। आपको इसे 5-5 मिनट पर चलाते हुए ठंडा करना है पंखे के नीचे, वरना इसके ऊपर एक थिक सी लेयर आ जाएगी और फिर वो रेसिपी ख़राब हो सकती है हमारी। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा कर लूँगी कम्प्लीटली। तो इसे मैंने ठंडा कर लिया है अच्छे से, ये कम्प्लीटली ठंडा है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें काजू और थोड़े से बचा लेंगे हम गार्निशिंग के लिए बादाम, और ऐड करेंगे पिस्ता और ऐड करेंगे चेरीज़। आप अपने चॉइस से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी चेरी ज़्यादा ही डाली थी और बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी ये मेरी। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये जैस्मिन्स कुकिंग स्टाइल की रेसिपी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत तारीफ होगी। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ऐसी इजी एंड क्विक रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। इसे मैं सर्व करूंगी इस डिश में, आपको जिसमें भी सर्व करना है आप उसी में इसे एडजस्ट कर लें। तो इसमें मैं इसे ऐड कर लूंगी अच्छे से और इवन आउट कर लेंगे हम इसे और इसे गार्निश कर लेंगे। आप चाहें, आप जिस तरीके से चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेरीज़ को साइड पर लगा रही हूँ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लगा दूँगी मैं इस पे। और इस रेसिपी को आप एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, ये जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा होगा और जितना 1 से 2 दिन के बाद इसका फ्लेवर और बढ़ता है, मैंने ट्राई किया है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस ईद पर, और इजी भी है ये बनाना और बहुत यमी है ये रेसिपी, बिल्कुल रॉयल फ्लेवर है इसका। तो मैंने इसे गार्निश कर लिया है अच्छे से और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रेसिपी है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अब देखिए मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ आपको। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल थिक और रॉयल है। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं आप और घर में रहें और सेफ रहें। स्टे होम स्टे सेफ। वेरी डिलीशियस रेसिपी, ट्राई और इन्जॉय करें ईद को और इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईद मुबारक टू ऑल।